आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, एक बार आइए आप दिखाइए। ये राष्ट्रीय कर समिति सदस्य क्या लिखा हुआ है, पर हम भी पढ़ना चाहेंगे। मैं लाइसेंस राज का विरोधी हूँ। क्या मतलब क्या 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 लाइसेंस राज क्या है? मैं लाइसेंस राज का विरोधी हूँ। साला नौकरी लेने के लिए जाएगा, बोलेगा डिग्री बताओ, और ऊपर से डोनेशन, और ऊपर से पूछते हो मुर्गी का अंडा बेचो या मुर्गी बेचो अंडा बेचो, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? हम आपसे सवाल करते हैं सरकार जी, क्योंकि युवा जब परेशान है तो युवा सड़क पर उतरेगा ही, वो तो कब तक युवा इंतजार करेगा? आज युवा इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आप देखो कल महिला दिवस था और महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को भी पीटा गया, और ये स्थिति आ गई है जहां देश और दुनिया महिला दिवस मना रहा है। क्या क्या कहेंगे? लाइसेंस राज का मतलब हम लोग का नौकरी नहीं दे रहा है, समझे? हम लोग इतना पढ़े लिखे, बोला कि 5 लाख का नौकरी देंगे, ठीक है? आप बोला कि साला नौकरी नहीं देंगे, साला नौकरी नौकरी क्यों नहीं दिया? हमको नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मुर्दाबाद। अंडा बेचते मुर्गी बेचते हम लोग अंडा बेचेंगे? हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं तो हम लोग का अंडा बेचने करेंगे? हम लोग नौकरी चाहिए, नौकरी। ये आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल पर हेमंत सरकार वेट कम करो तो 25 रुपए सस्ता दे रहे हैं, आप वेट कम करवा रहे हैं। किस बारे में? पेट्रोल डीजल में उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? हमें रोजगार चाहिए। आज जब से सरकार बनी है एक भी मुद्दा बोलिए कि युवा के प्रति काम किया है या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बाप राज किया, बेटा राज कर रहा है। अरे भैया हम लोग रोजगार, ऐसा नहीं है कि झारखंड का युवा या झारखंड का लोग बुड़बक है, वो उस टाइम था और जब था तब बहुत लूटा गया झारखंड को। आज झारखंड एक ऐसा राज्य भारत देश के अंदर यदि चाहे ना तो 70% यहां से जाता है, झारखंड से जाता है। आज हमारे यहां पे जो भी सरकार बनता है किसी चीज़ के बारे में ना ध्यान दिया है ना सोचा है। आज जिसका रीज़न है कि बाहर का लोग आके हमारे झारखंड में राज कर रहा है। आज हमारे झारखंड का युवा ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी युवा को मौका नहीं मिलता है, जिसके कारण से हमारा युवा पिछड़ा हुआ रहता है। आज बाहर में हमारे झारखंड के राज के अपने युवा को ना नाम है ना पहचान है। क्यों है? क्योंकि हमारा सरकार सही नहीं है। हमारा सरकार सही होता हर जगह पर नाम पहचान होती। आज झारखंड से क्या नहीं जाता, यदि मैं भी बात करूँ, सबसे ज़्यादा कोयला निकलने वाला हमारा झारखंड है, और यहाँ के लोगों के बारे में ना कहीं इज्जत है ना कहीं पहचान है, फिर भी झारखंड। आप बाहर चले जाओ पूछो कहाँ से हो, झारखंड से, कहाँ पड़ता है झारखंड, जानता नहीं है। क्या है? क्या कि हमारे राज्य का जो सरकार है निकम्मा है? यही मतलब है कि जो स्टार है उससे हम जान रहे हैं हमारा सरकार क्या काम किया? अरे भाई काम करने की हैसियत नहीं है, गद्दी पकड़ के क्यों बैठे हो आप? छोड़ दो ना, हम लोग के हाथ दे दो, सरकार चला के दिखाते हैं कैसा सरकार चलता है। एक मिनट। सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करके, हमारे जो भी लोग गांव में है अनपढ़ लोगों का सहारा लेके सरकार तो बना लिया, झूठा मूठा वादा करके हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। आज क्या किया? आज आप दूसरे राज्य में जाइए, वहां की सरकार से आप बात कीजिए, ठीक है? आज कोई भी कदम उठाता है ठोस कदम उठाता है। आज हमारे राज्य की सरकार को कदम उठाने के लिए सोचना पड़ता है। आप काहे का नेता है? छोड़ दीजिए ना, जब आपको कोई भी कदम अपने राज्य के प्रति लेने में यदि सोचना पड़ रहा है आप छोड़ दीजिए, गद्दी मत संभालिए, दे दीजिए किसी को, समझ जाएगा। और ये तो मैं बता दे रहा हूँ कि इस बार सरकार तो बन गई, अब इसको सरकार बनाने में हालत खराब हो जाएगी। ये कहाँ से आए आप लोग? मैं रांची से ही हूँ। रांची से ही है? कुछ गांव से भी लोग लड़के आए होंगे? मैं रांची में रहता हूँ, मेरा अपना गाँव जो हुआ मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज मैं बात करूँ हमारे यहाँ जो भी है, आप झारखंड में घूमिए किसी जगह पे, ऐसा कोई क्षेत्र है जो विकसित है? कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है विकसित नहीं होने का? क्या हमारे यहाँ पे गरीब है? अरे भैया गरीबी बोला जाता है लेकिन कोई गरीब रहता नहीं है, अनपढ़ बोला जाता है, अनपढ़ होता नहीं है। राज्य गरीब कैसे हुआ? आपके यहाँ से जितना कोयला निकल रहा है कोई दूसरा राज्य बोले? बिजली उत्पन्न कहाँ? झारखंड से। बोकारो एक बिजली का ऐसा प्लांट है, मैं बात करूँ आज हर एक जगह पे बड़े बड़े प्लांटेड की बात करूँ तो आज झारखंड में बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा राज्य सरकार साला इतना बड़ा घुसखोर टाइप से जिसका कुछ कहना नहीं है। ये सीधी सी बात मैं झारखंड सरकार को बोल रहा हूँ, आप जगो, युवा जग चुका है, और नहीं तो कहीं शरण मिलने वाली नहीं है। तो वो सस्ता आप लोग को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नो, क्यों? एक मिनट, ये जो आप बोले कि पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी देंगे, ठीक है, अब ये सब्सिडी का क्या मतलब है? पहले मैं झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ
क्या मतलब है, क्या ये पेट्रोल डीजल घर में जाके डलवाएगा या गाड़ी में डलवाएगा? और गाड़ी में डलवाएगा तो वहाँ पे क्या उसको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, नंबर दिखाना पड़ेगा, तब जाके अकाउंट में आएगा? ये कहाँ की राजनीति? और ये आप क्या झारखंड के लोगों को बुड़बक बनाए हो ना, ये इसीलिए है कि भैया मैं 10 लीटर पेट्रोल लो आपको 25 रुपए करके 250 रुपया सब्सिडी जाएगा, काहे का वो है? आप हमें बता दो ना, उससे क्या बेनिफिट होगा लोगों को? और यदि मैं बता रहा हूँ, आप गरीबों के लेके कहाँ सोचे? एक गरीब के पास यदि पैसा है तो वो पैसा होता उसी के पास मोटरसाइकिल होता है, बगैर पैसे वाले के पास तो मोटरसाइकिल होता नहीं है। नहीं, तो जब बगैर पैसे वाले के पास मोटरसाइकिल है नहीं, तो आप गरीबों के लिए कहाँ देखे? आप तो भाई अमीर के लिए देखे। आप गाड़ी लो सब्सिडी देंगे, मोटरसाइकिल लो सब्सिडी देंगे। अरे भैया जिसके पास जो साइकिल में घूमता है वो सब्सिडी कहाँ से उठाएगा? आप उसको घर में ले जाके सब्सिडी दोगे क्या? अच्छा, सबके पास गाँव वाले पास लाइसेंस होता है क्या? लाइसेंस क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस? अरे भाई आपके राज्य में यदि कोई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ा, आप सरकार हो, वहीं पे जो उससे 5,000 चलाने काटते हो ना, 6,000 रुपया लगता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, है दम तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे दो ना। आप अपना जो हमारे गवर्नमेंट सरकार है, अपने जो भी राज्य के ट्रैफिक पुलिस है या जो भी पुलिस का काम दिया गया है, आप उसे दो ना काम। क्या लगता है आप पैसा लेते हो, पैसा जाता कहाँ है? कि आप कहाँ हिसाब दिए हो? आप किस चीज का हिसाब दिए हो हमें बताओ ना। 6,000 रुपया चलान कटता है, डबल लोड बैठेगा 10,000 रुपये। अरे यार गरीब बड़ी मुश्किल से तो साला सामान लेने के लिए घर से निकलता है, ऊपर से आप चलान काट रहे हो और बोलते हो लाइसेंस फ्री में। क्या लाइसेंस आप दो ना? 6,000 चलान काट रहे हो उसके बदले में आप लाइसेंस दो, ठीक है? आप यदि इंश्योरेंस पेपर चेक करते हो, किसी का इंश्योरेंस पेपर नहीं है ना, उस गरीब का इंश्योरेंस पेपर उसी जगह पे करंट में बना के दो, उसका पैसा को ना सरकार को मंडी में ला करके खा करके गाड़ी में घूमने से नहीं होगा। आप लोगों के बारे में सोचिए, लोगों की रोजगार के बारे में सोचिए, लोग कहाँ है? और आप जिस राज्य का सरकार बोलते हो, जिस राज्य के गद्दी में बैठे हो, आपकी राज्य कितनी पिछड़ी है आप उसके बारे में सोचिए। आपको 5-6 साल मौका मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। साला माटी हमारा, राज हमारा, गांव हमारा, और राज कोई और कर रहा है और आप उसको बढ़ावा दे रहे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आज आपके राज्य का लड़का यदि कहीं जाता है उसको कोई वैल्यू नहीं मिलता है, और आप दूसरे राज्य के लड़का का अपने गांव अपने राज्य में आप उसको सीना चौड़ा करके घूमने के लिए देते हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है क्या आपके ऊपर? आप इस चीज को समझे। ऐसा नहीं है कि हमारे झारखंड के लोग ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं, ऐसा नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है। आप उसे मौका दो ना, उसके बाद देखो ना, आरक्षण दो ना, उसके बाद देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है? तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे जो भी युवा है समझदार हैं और समझ चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि वो पहले वाली झारखंड रही, अब बदल चुकी है, ठीक है? और आपका अब ज़्यादा ये राज शासन चलने वाला नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है गद्दी छोड़िए, सीधी सी बात है। कोई बहसबाजी करने के लिए ना हम लोग के पास टाइम है और ना ही है। आज यो लोग फांसी लगा रहा है, बोलता है 5 लाख रोजगार देंगे। आप 5 लाख रोजगार बोल करके ठक लिए, कुर्सी हासिल कर लिए, मिला क्या? क्या मिला? आप बोलते हो अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, मुर्गी बेचने के लिए वोट दिए थे, इसीलिए पढ़ाई क्या? अंडा बेचने के लिए वोट दिए थे, बताइए इतना कॉमन साइंस नहीं है क्या हम लोग का, जो आप हमें सिखा रहे हो ये बेचो वो बेचो? अरे वो कौन बेचेगा? जिसका हाथ पैर नहीं है वो बेच के खाएगा, जिसका हाथ पैर है तो फिर आप कॉलेज और स्कूल को बंद कर दो। जब मुर्गी बेचना, अंडा बेचना, कॉलेज और स्कूल बंद कर दो, लाखों रुपए का फीस लेना बंद कर दो, डोनेशन लेना बंद कर दो, ठीक है? उसके बाद देखो क्या होता है। ये झूठ मूठ का जो बिजनेस खोल के रखे उसको बंद करो, फिर सीधी सी बात मैं बोलूंगा। डिग्रियां लेना बंद कर दो, बोल दो डिग्री का कोई मायने नहीं है, आप बोल दो, लोग बेचेगा क्यों डिग्री के पीछे भागेगा? एक तो डिग्री भी लो, साला नौकरी लेने के लिए जाएगा बोलेगा डिग्री बताओ, और ऊपर से डोनेशन, और ऊपर से पूछते हो मुर्गी का अंडा बेचो या मुर्गी बेचो अंडा बेचो, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? हम आपसे सवाल करते हैं सरकार जी, आप क्या करोगे? हाँ, हमारा अंडा खरीदोगे? हाँ बोलो, हमारा अंडा खरीदोगे? तो सरकार भी अंडा खरीदेगा। देखो 2.25 साल हो गए, इन 2.25 साल के अंदर युवा परेशान, किसान परेशान, नौकरी तो छोड़ दो, जिनकी नौकरी थी वो सड़क पर उतर गए, स्वरोजगार छीन लिया। और हमने नहीं, मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 1 साल के अंदर 5 लाख नौकरी देंगे, अन्यथा हम कुर्सी पर लात मार देंगे। जनता ने 1 साल देखा, 2 साल देखा, 2 साल के बाद अब 3 महीने 4 महीने और बीत गए, तो इसी आधार पे 5 साल बीत जाएंगे। हम तो जनता देख रही है कब कुर्सी पे लात मारेंगे ये। अब वो लात नहीं मारेंगे तो जनता तो अधिकार है
लोकतंत्र में जनता लात मार कर उनको उतार देगी, क्योंकि आपने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, न नौकरी का वायदा पूरा किया, न बेरोजगारी, न रोजगार भत्ता के रूप में आपने कोई वायदा पूरा किया। आपके आते ही सारी फैक्ट्रियां, जिसमें हजारों हजार, मैं अपने रांची लोकसभा का बताता हूँ, लगभग 30 से 35 हज़ार जो हमारे भैया और बहन अलग अलग फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, भग गए वो लोग। तो पूरी तरह अराजकता है। और आप देखो, हत्याओं का दौर चल रहा है, पूरा लगता है कि शासन नाम की कोई चीज नहीं है, और स्थिति भयावह हो चुकी है। क्योंकि युवा जब परेशान है तो युवा सड़क पर उतरेगा ही, वो तो कब तक युवा इंतजार करेगा? आज युवा इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आप देखो, कल महिला दिवस था और महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को भी पीटा गया, और ये स्थिति आ गई है जहां देश और दुनिया महिला दिवस मना रहा है। हम सब कल सुबह से देर रात्रि तक जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियों के लिए पूरी दुनिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कोट को धरातल पर उतारा। वहीं रांची में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ? ये तो हद हो गई, इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। ये घृणित कार्य था, वो भी महिला दिवस के अवसर पर। यह पूरी तरह निरंकुश हो चुका है, सरकार निरंकुश हो चुकी है, और इसको विकास से कोई लेना देना नहीं है, तभी आज युवा सड़क पर उतर रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।